भैया आपने इस दौड़ भाग का क्या बताऊं यार आपको, सुबह से लेकर शाम तक आजकल दौड़ भाग ही चल रही है। ये हाल होता है भैया फोटोग्राफर्स का है। अब मेरे उसमें डालेगा कौन खाना पता नहीं है भाई। बाप रे उधर से बहुत तगड़ी गई है यार ये। नितेश फटाफट चल फटाफट। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज काफ़ी जल्दी उठ गया हूँ मैं, सुबह 7 बजने वाला और अभी मैं उठ चुका हूँ। और काफ़ी प्यारा सनराइज़, जैसे कि सनराइज़ का व्यू दिखाया मैंने आपको, और ऐसा सनराइज़ का व्यू ऐसे मॉर्निंग के टाइम का ना, वो पेंटिंग्स में या वैसे दिखते हो तो हमारे यहाँ नेचुरल है, वैसे मॉर्निंग जल्दी उठ के ये सब देखने को मिलता है। तो फिलहाल चेतना भी उठ चुकी है, चेतना काम स्टार्ट हो चुका है। चेतना ने भैंस का दूध निकाल दिया, चाय चढ़ा रखी है, अब पानी भर रही है। मैं भी चलता हूँ, मैं भी कुछ काम करता हूँ, उसके बाद फिर फ्रेश फ्रेश होके हाथ मुँह धो के फिर सीधे चलते हैं वड़ा पड़ाव की ओर। वहाँ पे भी कुछ शूट वगैरह करने हैं, उसके बाद फिर घर आएंगे, फिर तैयार होकर तब जाएंगे शादी में। फिलहाल हम पड़ाव पहुँच चुके सब लोग, और निर्मलता की यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। पिछली बार डेकोरेशन अलग थी, इस बार थोड़ी अलग है। ये देखो अभी इनकम्प्लीट है, तैयारी स्टार्ट हो रखी अभी। इंतज़ार आगे से हट रहे तो दूल्हे की गाड़ी आज यही है, वरना ये वाली। निर्मलता बहुत मेहनत में लगे हुए हैं, ये सुबह सुबह की मेहनत। A few moments later, भैया आपने इस दौड़ भाग का क्या बताऊं यार आपको, सुबह से लेकर शाम तक आजकल दौड़ भाग ही चल रही है। अभी पड़ाव गए थे हम लोग, वीडियो वगैरह बनानी थी कुछ सिनेमेटिक, और उसके बाद मैं तो बाल भी कटा लूँगा, पर बाल कटाने का टाइम ही नहीं हुआ, अब डायरेक्ट ऐसे ही जाऊँगा मैं। फटाफट घर चलता हूँ, तैयार होकर नाश्ता करके फिर निकलता हूँ पड़ाव बारात में। तो वैसे टाइम कुछ ऐसा हो रहा है, घर आओ फटाफट, घर से भागो, वहाँ पहुँचो, वहाँ काम करो, ऐसी हो रहा है, दौड़ भाग लगी रह रही है। अभी फिर से तैयार होकर मैं निकल पड़ा, जितना कहीं घास काटने तो जितना दिखी नहीं अभी, तो चलता हूँ फटाफट से पड़ाव की, फिर वहाँ बारात तैयार भी हो रही है, फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे की वीडियो। तो गाइस अभी बारात निकल चुकी है, और सबसे पहले हमारी गाड़ी है निर्मलदा के साथ में, हम लोग मनोजदा की गाड़ी लेके आ रहे हैं। मैं ऐसे सनरूफ में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। नीचे यहाँ गुड्डन और भाभी बैठे हुए हैं। गुड्डन हाय कर दे। ओ गुड्डन गुड्डन हाय बोलो। गुड्डन हाय हाय कर दो, कर दो, नहीं करेगी। इधर युवराज बैठा हुआ है, निर्मलदा लोग ड्रोन उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कांडाधार पे, यहाँ से बागेश्वर का मस्त सा ड्रोन व्यू लेने के लिए। निर्मला रे रे ड्रोन व्यू।
ये हाल होता है भैया फोटोग्राफर्स का है, ये ऐसे प्लेट ली जाती है। चम्मच तो मैं कुछ चम्मच से खाऊंगा नहीं वैसे। चलो अब मेरे उसमें डालेगा कौन खाना पता नहीं है भाई। मुनमुन इसमें चावल डाल दे। ये लोग हमारी हेल्प करेंगे अभी, बहुत ज़्यादा वाली। डाल डाल, आराम से गिराना नहीं, हाँ हल्का सा। और मुनमुन हेल्प कर रही है बिल्कुल। ये इसको मैं सब्सक्राइब कर दूंगी। देखो अभी तक इसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अब इस ये ब्लॉग में आ रही तो अब सब्सक्राइब कर रही है। चल से ये डिस्प्ले सही दे दिया तूने, थैंक यू थैंक यू। सुन लो भाई साहब, ये आ गई हमारी थाली, बढ़िया सा डिस्प्ले दे रखा है मैंने। और इसकी थाली में तो भैया इसने राजमा ही राजमा फैला दिया है, बहुत गंदे तरीके से इसने भी ऐसे फैला रखा है। मुनमुन ने भी ऐसा फैला रखा है। वेल मेंटेन मेरी थाली, हाँ तो हम लोग खा लेते अभी। मिर्च तूने रखी भाई? तो भैया बाकी दिनों में सबसे लेट मैं खाता हूँ, ठीक है। आज काम था तो मैंने सबसे पहले खा लिया, और बाकी दिन जो सबसे पहले खाता है वो बंदा जो वहाँ पे हुडी में बैठा हुआ है, वो आज सबसे लेट में खा रहा है, बैठा हुआ है आराम से। और वहाँ काम स्टार्ट होने वाला है अब, क्या ही तू ही है भाई, तू ही है गलत, हमें सीख से खाता है बड़ा आया। खा ले फटाफट, टाइम वेस्ट मत कर ऐसे घूरने में भाई। तो मैं तो खा के बैठ चुका हूँ, मैं जैसी दुल्हन आती है वैसे काम स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कैमरा भी पकड़ लिया, सब कुछ सेटअप है, सबने खा भी लिया है। अब नहीं लाऊंगा भाई, सॉरी दो बार ले आया, बस मेरा काम हो गया, फिर अब कंटिन्यू करता हूँ पहुँच के मंडप में। मध्यवर्ती भगवत श्री नारायण चौ नामी कमलो देते नौ सकल लोक पिता में नौ ब्राह्मण तो वैसे शादी कंप्लीट हो चुकी है, और दूल्हा दुल्हन अभी गए हुए अंदर रूम में, तो वहाँ बैठ के वो लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर सीधे घर को चलेंगे हम लोग, फिर विदाई होगी। तो यहाँ पे पैकअप हो चुका है, सब लोग धीरे धीरे सामान वामान रख रहे हैं ये, और हम लोग बैठ के रेस्ट कर रहे हैं अभी। इधर नितेश, युवराज उधर लेट गया, मैं इधर बैठा हूँ। और एक और प्रॉब्लम होगी यार, जो प्रॉब्लम मेरे को मनोजदा की शादी में नैनीताल जाते टाइम हुई थी, गर्दन में चसक पड़ गई थी, वैसी सेम प्रॉब्लम आज भी होगी, गर्दन में फिर से पेन स्टार्ट। पेन किलर ले रखा, देखो क्या होता है। और अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट विदाई में। बाराती आधे रास्ते पहुंच गएंगे, हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे मनोजदा के साथ में। मनोजदा हाई कर दो। इन्हीं की शादी में मैं इसीलिए नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द हो गई थी, आज सेम वही प्रॉब्लम होगी, बट मैं आज जब रास्ते से निकला तब ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ये रही हमारी गाड़ी जिसमें हम जाएंगे, इसी में हम दिन में आए थे, सनरूफ खोल के इसका वेन्यू में। उधर से बहुत तगड़ी गई है यार ये 05T5, पता नहीं यार। नितेश फटाफट चल, फटाफट देख देख देख, फटाफट चल। कब का है ये? है पक्का भाई? ना ना निकाल रखा है यार उनको, इतनी गंदी किसकी गई यार ये गाड़ी। इतना तगड़ा कांड भैया, तगड़ा कांड। गाड़ी में कोई है ही नहीं यार, नया भी नहीं है वैसे, वो परमानेंट ड्राइवर, वो टैक्सी ड्राइवर है। बाय बाय, जाओ जाओ। नितेश, युवराज और सब, ये सब लोग चले गए, मनोज का लोग, मैं घर को आ गया हूँ। और यहाँ पे लाइट गई हुई है, मौसम भी काफ़ी बेकार बना हुआ है, पूरे काले बादलों से ढका हुआ आसमान, ये देखो
पूरे आसमान में काले बादल। इधर को मौसम सही लग रहा है, आसमान सही है और अंधेरा भी हो चुका है। बस मैं फटाफट से घर की ओर चलता हूँ और फिर चेतना आई थिंक घर जाएगी ससुराल अपने। जीजू को कल जाना है ना वापस, उनकी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी तो कल वो जाएंगे, इसलिए चेतना अभी जाएगी और कल सुबह आएगी। देखते हैं क्या होता है, घर पहुँचता हूँ पहले। कहाँ हो डिजलोन? ही पूजा पाठ चल रही पंडित की, तो आज गाँव घर चेतना पूजा कर रही है। लाइट भी आ गई और बारात भी पहुँच गई घर। सो सैड कि मैं ये सब कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि चेतना को जाना है घर और मेरे गर्दन में दर्द हो रही है, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। पढ़ाओ मैं डायरेक्ट यहीं आ गया। बाय बाय, चेतना भी गई। टॉर्च जला ले दो। ओए पहली बार ऐसा हो रहा है इतनी शाम को चेतना अपने ससुराल की ओर जा रही है। और तो अभी चेतना भी चली गई और वो आएगी कल सुबह, क्योंकि कल सुबह जीजू को निकलना है, तो जीजू जाएंगे अपनी ड्यूटी के लिए और फिर चेतना इधर को आ जाएगी और चेतना के काम दिखाता हूँ। ठीक है, मैं घर नहीं पहुँचा था उससे पहले ही, मतलब देखो खाना ना बना के चने बना रखे हैं, रोटियाँ बना रखी है, पूरा खाना तैयार करके गई है और चाय भी बना रखी है। चाय पी लेता हूँ मैं, खाना ले आता हूँ ऊपर, आराम से बैठ के खा लूँगा थोड़ी देर में। और मम्मी लोग भी कल ही आएंगे, कल दिन में तक मम्मी लोग पहुँचेंगे आई थिंक। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। हमारे फोटोग्राफी करियर का पहला काम था, पहली शादी थी आज फोटोग्राफी स्टार्ट करने के बाद, स्टूडियो बनाने के बाद। और कल का दिन है, कल उनके यहाँ पार्टी होगी तो कल पार्टी में भी शूट करेंगे, उसके बाद फिर रिलैक्स करेंगे एक दो दिन। इस बीच थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए बहुत दिक्कत हुई। बट अब चलो अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, शादी होगी, कल का दिन का प्रोग्राम है तो कल दिक्कत नहीं होगी। और अभी जो है मैं चलता हूँ अब चाय लेके, खाना लेके ऊपर रूम की ओर, और वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा रेस्ट करता हूँ यार, इतने दिन से थका हुआ। ठीक है, तो गाइस आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारा काम पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।